भागलपुर पहुंचे गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से दोहराया है कि मैं अपने जुबान पे कायम हूं कि भागलपुर से अजय नहीं मैंने चुनाव लड़ा है और केंद्र सरकार की तरफ से भागलपुर जिले में विकास की कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं या पूर्ण होने को हैं। साथ ही नई योजनाएं भी आ रही हैं। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर भागलपुर की तस्वीर बदल जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने मुख्य रूप से बताया कि जल्द ही भागलपुर के पीरपैंती से देवघर तक नई रेल लाइन शुरू होने वाली है। साथ ही बताया कि कहलगांव पीरपैंती के पास कोल ब्लॉक मिला है जिस पर काम शुरू होने वाला है। NH80 के बारे में कहा कि उस पर तो काफी तेजी से काम चल रहा है, जल्द ही काम दिखने लगेगा। भागलपुर के हवाई अड्डे पर 12 करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं वो केवल करप्शन का खेल है, क्योंकि वहां जब हवाई अड्डे पर जहाज उतरेगा ही नहीं तो पैसे खर्च करने का क्या फायदा। इस दौरान निशिकांत दुबे ने कहा कि विक्रमशिला को बौद्ध सर्किट से जल्द ही जोड़ा जाएगा। केंद्र यहां केंद्रीय विद्यालय देना चाहती है पर अभी तक जमीन नहीं दी गई है। कहलगांव के दियारा एवं पीरपैंती के दियारा इलाकों में जो कटाव हो रहा है उसे रोकने का भी प्रयास केंद्र सरकार करेगी। निशिकांत दुबे ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की सरकार 2024 तक ही रहेगी। उन्होंने यह भी कहा कि जदयू का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, बिहार में केवल राजद और भाजपा रहेगी। और क्या कुछ कहा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे कुछ दिनों से लग रहा था कि भागलपुर में जो विकास की खबर है या भागलपुर जिले को इससे जो फायदा होने वाला है वो किसी कारणवश प्रेस से छूटा हुआ, उसको मीडिया भागलपुर में या तो पकड़ नहीं पा रही है या कोई प्रॉपर जानकारी उसको नहीं दे रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा हुआ है, देखिए ये भागलपुर जिला जो है दो भागों में विभक्त, गंगा के इस पार और गंगा के उस पार, और भागलपुर की इकोनॉमी में दो तीन चीज़ें हैं जो कि एक माइलस्टोन हो सकता है इस इलाके के लिए। तो दो तीन जो डेवलपमेंट हुए हैं जो भागलपुर से रिलेटेड और जिसकी प्रमुखता होनी चाहिए, जो माननीय मोदी जी के कारण संभव हो पाया है, एक तो पीरपैंती से देवघर ये नई रेल लाइन, गोड्डा तक रेल लाइन बन गया है, गोड्डा से हसडिया और हसडिया से देवघर जो है वो रेल लाइन हमको लगता है कि मार्च में चालू हो जाएगा, मार्च नहीं हो अप्रैल में हो जाएगा लेकिन वो चालू हो जाएगा। उसका जो एक पार्ट बचा हुआ था गोड्डा से पीरपैंती, उसके लिए रेल मंत्री ने रेल मंत्रालय ने, ये टोटल 1400 करोड़ की योजना है, उसकी स्वीकृति दे दी है और पहला ऐसा प्रोजेक्ट है वर्षों के बाद, मुझे लगता है कि बिहार के लिए पिछले 8-10 साल में ये पहला प्रोजेक्ट होगा कि कहीं 1 किलोमीटर रेल लाइन भी चलेगी जो कि रेलवे अपने खर्चे से बनाए। और ये इतना बड़ा है कि मान लीजिए कि पीरपैंती के लोगों को, कहलगांव के लोगों को यदि देवघर जाना है, रांची जाना है, तो उसको अब भागलपुर आने की आवश्यकता नहीं है, वो वहीं से ही जाओ होकर चला गया। तो एक ये खुशखबरी थी। दूसरा, बिहार जो पिछड़ा या बिहार में जो विस्थापन पलायन है, बिहार में रोजगार नहीं हो रहे हैं, उसमें ये है कि जितने माइंस और मिनरल्स वो सब चले गए झारखंड, बिहार में केवल मिट्टी बालू पानी यही बच गया। तो संजोग से कहलगांव में और पीरपैंती के आसपास कोल ब्लॉक मिला, जिसको मंदार पर्वत कोल ब्लॉक कहिए और जिसको बाराहाट पीरपैंती कोल ब्लॉक कहिए, दो कोल ब्लॉक। ये कोल ब्लॉक BCCL को मिला था, उसके विस्थापन के कारण उनको ये सहज नहीं हुआ। अभी केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया जिसके कारण कि वो अभी बिड में जा रहा है,
कि यदि कोयला स्थापन को हटा के निकाला जा सकता है तो कोयला निकाला जा सकता है। अब आप समझें कि इसके कारण कि बिहार में उद्योग धंधा के बढ़ने के लिए कोल ब्लॉक हो गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भागलपुर में हुआ, ये भी मैंने देखा कि वो कटा हुआ सा न्यूज है। तीसरा जो मैंने कहा कि दो भागों में विभक्त, अब मान लीजिए कि पीरपैंती के आदमी को बीरपुर जाना है, पीरपैंती के आदमी को नौगछिया जाना है, या मान लीजिए कि हमने एक ट्रेन जो चालू की है अगरतला से देवघर, तो उसका जो लाइन अलाइनमेंट है या उसमें जो परेशानी है कि मान लीजिए कि 10 बजे वो देवघर से अगरतला वाली ट्रेन यहाँ भागलपुर में है, और यदि भागलपुर में वो छूट जाए तो आप फिर 1-1.30 बजे नौगछिया में उसको पकड़िए, 3.5 घंटा वो भागलपुर ज़िले में ही जो है वो घूम रहा है, 3-3.5 घंटे। तो एक बहुत दिन से जो सेंक्शन्ड है और बहुत इस पर चर्चा होती है कि विक्रमशिला कटेरिया जो रेल लाइन है वो पीएम गति शक्ति में जाएगा, और संभावना उसकी ये है कि उसका भी सारा पैसा रेल मंत्रालय देगा और उसका भी प्रोसेस माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी के कारण उसका चालू हो गया। इसके बाद NH80, आज भी NH80 पर मैं देखता हूँ कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अखबारों में बहुत लंबा चौड़ा छूट सकता है, लेकिन मैं जो मिस कर रहा हूँ कि 4-lane NH80 बन रहा है, उसका लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस चालू हो गया, कहीं वो मान लीजिए कि उसकी मिट्टी भराई का काम चल रहा है, ये लोग नहीं देख रहे। ये दिखाना चाहिए कि NH80 का अलाइनमेंट क्या है। केंद्र सरकार ने सारा का सारा पैसा दे दिया, सारा का सारा लैंड एक्विजिशन हो गया, उसमें ठेकेदार तय हो गए, और मुझे लगता है कि इस महीने ने अगले महीने जो है वो सब काम हो जाएगा। तो जो एक आप समझिए कि भागलपुर का एक नासूर बना रहा है NH80, और उसके ऊपर चूंकि मेरे ऊपर बहुत लोग कहते हैं कि मैंने कहा कि अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो अजय नहीं मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, आज भी मैं इस बात पर कायम हूँ। मैं 1000 चीज़ें कह सकता हूँ कि जो बरसों से लंबित सारी चीज़ें थी वो सारी पूरी हो गई। आज भोलानाथ पुल हो गया, जिसको भी क्रेडिट लेना है, मैंने कहा कि क्रेडिट नहीं लेना है, लेकिन यही मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इतने तारीख को ये इतने का प्रोजेक्ट है और ये पास हुआ रेलवे से, अब दे रही है बिहार सरकार पैसा। तो भोलानाथ पुल का आपको पता है कि काम चालू हो गया, NH80 का काम चालू हो गया, यही सारी समस्या थी ना भागलपुर। मैं बटेश्वर पंप न बटेश्वर में जो है गंगा पर पुल बनेगा, वो यदि जिस दिन वो रेल लाइन विक्रमशिला कटेरिया हो जाएगी, आप समझिए कि 5 लाइन को वो जोड़ेगा, उस पर नौगछिया की लाइन को जोड़ेगा, इस तरफ ये हावड़ा भागलपुर रेल लाइन को जोड़ेगा, आगे जब वो बढ़ेगा तो जो दुमका और भागलपुर राम रेल लाइन जा रही है उसको जोड़ेगा, उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो देवघर दुमका लाइन में जुड़ेगा, और उससे जब वो आगे बढ़ेगा तो जसीडी से हावड़ा की जो लाइन है ये बाईपास होगा। इतना बड़ा बाईपास मुझे नहीं लगता कि रेलवे के इतिहास में कहीं है, 5 लाइन को